हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। फ्रंट साइड से ये देखिए इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 22 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 13 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, 11 फंदे साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 2 फंदे एज स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 20 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 57 फंदे लिए हैं, 55 फंदे 11 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं एज स्टिच के लिए, और नीचे से सिंपल बॉर्डर बनाया है। आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। अब देखिए, स्टार्टिंग का एज स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, 5 फंदे लेंगे, पहले हम 5th फंदा सीधा बुनेंगे, चाहे आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, इनको ट्विस्ट करना है। 4 फंदे ऐसे पीछे लेकर जाएंगे और ये 5th फंदा आगे लेकर आएंगे और 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से 5 फंदे ट्विस्ट करेंगे। पहले हमने ये देखिए एक फंदा इस तरफ को ट्विस्ट किया था, अब एक फंदा इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, बैक लूप से 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे। वापस से लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे 5 फंदे और सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 ये देखिए, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 11 फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर 5 फंदे ट्विस्ट किए हैं, एक फंदा हम इस साइड को लेकर गए हैं ट्विस्ट किया है, और फिर सेंटर का एक फंदा सीधा बुना, फिर 5 फंदे ट्विस्ट किए और एक फंदा हम इस तरफ को लेकर गए हैं। तो यही पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 11 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे, फिर से 5 फंदे ट्विस्ट करेंगे, 4 फंदे पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा आगे लेकर आएंगे। और देखिए, 5 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 5 फंदे इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे। 5 फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 लास्ट में 11 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। हर बार इसकी रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे।
रॉ थर्ड राइट साइड एस स्टिच, ऐसे उतारेंगे धागा आगे करेंगे। अब 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे करेंगे, फिर देखिए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3। फिर आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, 1 फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से जाली डालते हुए 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 11 फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, फिर जाली डाली, 1 फंदा सीधा जाली डाली और 2 फंदों का 1 फंदा बनाया और 3 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, 1 फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। लास्ट में 11 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे सीधा बना लेंगे। रॉ 5 राइट साइड एस स्टिच, ऐसे उतारेंगे धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे। अब देखिए सेंटर के 3 फंदे हैं, तीनों सीधे बनाएंगे जाली डालते हुए, 1, 2, 3। धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, 1 फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 11 फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, फिर जाली डाली, 3 फंदे सीधे जाली डाली, 2 फंदों का 1 फंदा बनाया और 2 फंदे सीधे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1, 2। आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागा आगे जाली डालेंगे, 1 फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2। एंड में 11 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे सीधा बना लेंगे। रॉ 7 राइट साइड एस स्टिच, ऐसे उतारेंगे धागा आगे करेंगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे 1 फंदा सीधा बनाएंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे और सेंटर के 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जाली डालेंगे और 1 फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने देखिए 11 फंदे उल्टे बनाए हैं, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, जाली डाली, 5 फंदे सीधे, फिर जाली डाली, 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, 1 फंदा सीधा बनाया है। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। जाली डालेंगे,
टर्न करेंगे बैक लूप से, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, लास्ट में 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एस स्टिच सीधा बना लेंगे। रो 9 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे करेंगे। फिर देखिए एक फंदा यहाँ पर हमारे पास सीधा है, फिर आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, चाइड डालेंगे, अब सेंटर के 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 11 फंदे उल्टे बनाए, दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, 7 फंदे सीधे बनाए, जाई डाले और दो फंदों का एक फंदा बनाया है। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे, आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एस टी सीधा बना लेंगे। ये देखिए फैन, रॉ 10 कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से यही 10 रॉ हम ऊपर दोबारा से रिपीट करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, रॉ 11 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 5 फंदे लेंगे, 5 फंदे फिर से ट्विस्ट करेंगे, 4 फंदे पीछे लेकर जाएंगे और एक फंदा आगे लेकर आएंगे। तो देखिए ऐसे 4 फंदे हम पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा आगे लेकर आएंगे। इसको हमने इस तरफ को ट्विस्ट किया है और 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एक सेंटर का फंदा रखेंगे, सीधा बना लेंगे, फिर से 5 फंदे ट्विस्ट करेंगे, इसको हम इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से। ये देखिए 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे। और 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 ये देखिए धागा आगे करेंगे, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे। स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले 5 फंदे ट्विस्ट किए हैं, इसको हमने लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट किया है इस तरफ को, और फिर एक फंदा सीधा बना, फिर 5 फंदे ट्विस्ट किए हैं, इसको हमने राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट किया है इस तरफ को, और फिर 11 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, ऐसे 5th फंदा पहले सीधा बना लेंगे, ये देखिए सॉरी ये वाला 5th फंदा है हमारा, 4 फंदे हैं, 5th फंदा ऐसे लेंगे, इसको सीधा बना लेंगे, उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 ये देखिए ऐसे भी आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको उतार कर नीचे ट्विस्ट कर सकते हैं। एक फंदा सीधा बैक लूप से, 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 धागा आगे, 11 फंदे उल्टे, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लास्ट में फिर से फाइव फंदे ट्विस्ट करेंगे, पहले फिफ्थ फंदा सीधा बना लेंगे, उसके बाद फोर फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर सेंटर का फंदा एक सीधा बना लेंगे, बैक लूप से फोर फंदे आगे लेकर आएंगे। 1 फंदा पीछे लेकर जाएंगे। ये देखिए, अब फिफ्थ फंदे सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एस स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रो 13 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागा आगे 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे, स्टार्टिंग का स्टिच छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 3 फंदे सीधे बनाए हैं, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 3 फंदे सीधे और 11 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। आगे एक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। धागा आगे 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। एस स्टिच सीधा बना लेंगे। रॉ 15 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3। जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2। धागा आगे करेंगे, अब 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। स्टार्टिंग का ऐसी छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ये देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, जाली डाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 2 फंदे सीधे और 11 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। जाली डालेंगे और एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 1, 2। 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2। आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। जाली डालेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे और एस स्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रो 17 राइट साइड एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे और सेंटर के 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जाली डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा आगे 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया, दो फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, 5 फंदे सीधे, जाई डाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाया, एक फंदा सीधा और 11 फंदे उल्टे बनाए हैं। धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, आगे साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा पीछे, एक फंदा सीधा, आगे एक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे। रॉ 19 राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे। ये देखिए यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, सेंटर के 7 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा आगे करेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा पीछे, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया, जाई डाली, और 7 फंदे सीधे बनाए, जाई डाली, 2 फंदों का एक फंदा बनाया और 11 फंदे उल्टे बनाए हैं। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा पीछे रखेंगे और आगे एक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाई डालेंगे, एक फंदा उतारेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, 11 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा पीछे, आगे एक साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जाई डालेंगे, एक फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फैन, रॉ 20 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप इसकी फर्स्ट रॉ देख लीजिए कैसे करेंगे। स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, स्टार्टिंग के 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा पीछे। अब देखिए 5 फंदे ट्विस्ट कर लेंगे, एक फंदा आगे लेकर आएंगे और 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 5 फंदे ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे और 11 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 धागा पीछे। फिर से देखिए 5th फंदा सीधा बना लेंगे, उसके बाद 4 फंदे आगे वाले सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर बैक लूप से 4 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, सीधे बना लेंगे 5 फंदे, 1, 2, 3, 4,
फाइव धागा आगे, लास्ट में 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धागा पीछे, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार इसकी 1 2 20 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो।